सात में से पांच आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जिन पर आरोप लगे हैं उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि गुनाह किया है तो सजा मिले, वरना छोड़ दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो गैंगरेप हुआ और उसके बाद लड़कियों की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो यहां पर आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पांच आरोपियों को, एक पक्ष जो है वो हमारे सामने अभी तक पूरा नजर आया है, लेकिन जो आरोपी के परिवार वाले हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त वो किस तरीके से परेशानी को जूझ रहे हैं, क्योंकि ये गाँव में इस वक्त नहीं रह पा रहे हैं। घर से घर इनके खाली पड़े हैं, घर से बाहर निकल कर ये परिवार आ गए हैं और उन वो लड़के जो है वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, लेकिन ये परिवार जो है ये यहाँ पर थोड़ा जंगल में इधर भटक रहा है कि इनकी परेशानी है कि इन्हें थोड़ा रिश्तेदारों के घर पे जगह ढूंढनी पड़ रही है। आप आपके कौन बेटे हैं आपके, उनका नाम क्या है? अवदेश। अवदेश उर्वेश। दो बेटे आपके हैं उसमें? तीन बेटे। हाँ, पप्पू। तीनों भाई भाई हैं। तो तीनों बेटे आपके हैं उसमें? हाँ। जो आरोपी बताए जा रहे हैं, तो ये बताइए कि आप लोग अभी, क्योंकि उन पर एक बहुत बड़ी अपराध का उन पर लगा है इल्जाम, ठीक है? हाँ। तो अगर वो इल्जाम, क्योंकि इतना बड़ा अपराध हुआ है और वो दोषी पाए जाते हैं, हाँ। तो सजा दी जाए सर, और अगर दोषी ना है तो बकस सजा जांच कराई जाए उसकी। घर पर क्यों नहीं रह रहे हैं आप लोग, बाहर क्यों? सर रहने ना देते, लाठी डंडा ले लेके और तल कर देते आदमी, पूरा गांव और पुलिस का थानेदार का सर मारू। तो आपका कहना है कि परिवार, आपके पूरे परिवार को वहां से निकाल दिया। यहां पर इस वक्त परिवार की जो कुछ महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं, उन पांच आरोपियों में से की माँ जो है वो भी यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। आपके बेटे का क्या नाम है? अवदेश। अवदेश। ये उर्वेश। अच्छा, तीनों बेटे आपके? हाँ, पप्पू। तो ये बताइए कि आप अपने घर में रह रहे थे, तो कब आप लोगों ने अपना घर छोड़ा है, बाहर क्यों आप लोग हैं इस वक्त? क्योंकि अभी ये बताइए कि आपके बेटे पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है, जैसे कि अभी मैंने आपके इनसे पूछा भी है कि उसका अगर सजा होगी, क्योंकि फांसी की सजा की बात कर रहे हैं सामने से, तो ऐसे में आप क्या, मतलब आपको लगता है कि क्या स्थिति रहने वाली है आपके परिवार के, तीन बेटे उसमें गए हैं? सजा मिला है? हाँ, सजा मिला। आप चाची हैं उन लड़कों के, तो आप लोगों को भी ये लगता है कि दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, आप हम दोषी हैं तो हम उनको लिए, हमें लिए सजा मिलनी चाहिए ना, तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए।